राजनीति की दवा है और नागपुर की विकास की दवा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 11 तारीख को लोग ये तपती हुई गर्मी में एयर कंडीशन का जरूर साथ देंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन जब आखिरी पड़ाव में चुनाव प्रचार पहुंचा है तो सारे राजनीतिक दल हाथ पैर मारना स्वाभाविक है। हमने भी कल 2 दिन से रैलियाँ शुरू की हैं। कल खुद ओपन जीप से 44 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद मैंने रैली की है। बिल्कुल। कल रात को अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए चंद्रपुर जाकर आया हो और आज फिर 3 विधानसभा पश्चिम है, उत्तर नागपुर है और 1 विधानसभा, ये तीनों विधानसभा का एक धावता दौरा जिसको कहते आज है। और शाम को 5 जगह पब्लिक मीटिंग है और जनता को ये भूमिका समझ में आ रही है और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी का साथ ना देकर एक नए अल्टरनेटिव की तलाश करनी चाहिए। ये लोगों में झुकाव तो बढ़ रहा है लेकिन मैं जानता हूँ नागपुर टफ है। टफ इसलिए है कि संघ परिवार की भूमि है, भाजपा का गढ़ है, कॉरपोरेशन से लेकर ZP तालुका पंचायत से लेकर MLC MLA MP सारे बीजेपी के हैं। लेकिन तगड़े मैदान में ही कुश्ती खेलने में मज़ा आती है, जो मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इन्जॉय करते करते पारा, जैसा आपने कहा कि 44 पहुंच गया है, 44 पारा में भी आप बिल्कुल दम कदम लगाकर बिल्कुल मैदान पे हैं, क्या लग रहा है इस पारे को देखते हुए? लास्ट मोमेंट चल रहा है चुनावी प्रचार का। एक तो मैं कहूँगा कि मेरे चुनाव मैदान में उतरने के कारण एक फुलेश्वर अम्बेडकर आंदोलन का एक साफ सुथरा पढ़ा लिखा और जिसकी 30-35 साल की राजनीतिक सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि है, जिसका बहुजन विचारधारा रिपब्लिकन विचारधारा के ऊपर एक अपना एक इंटरप्रिटेशन करने की क्षमता है, प्रभाव है, काम करने की आदत है, इससे लोगों को एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन मेरे माध्यम से मिला, इसका उनको संतुष्ट है। दूसरी बात, मुझे इस बात का संतुष्ट है कि मैं ये कांग्रेस बीजेपी के दोनों सांडों के बीच बहुजन राजनीति का एजेंडा मैं पुशअप करने में सफल हो रहा हूँ, इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इनके अलावा एक थर्ड विचारधारा, थर्ड इनिशिएटिव, थर्ड अल्टरनेटिव मजबूती से, और वो भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, बदलाव की राजनीति वाला, जो देश में फुलेश्वर अम्बेडकर राजनीति से आता है, बहुजन की राजनीति से आता है, तो उस एजेंडे को मैं पुशअप करने में काफ़ी बड़ा खुद को सफल मानता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को सफल मानता हूँ। और इसलिए नागपुर में अब ये लोगों के मन में बैठ रहा है कि ज़रूर नहीं कांग्रेस बीजेपी का ये हम साथ दे दे, हमेशा ये छोड़कर कभी वो छोड़कर ये, इसके बजाय अपने आदमी को क्यों ना आगे बढ़ाएं, और अगर बेहतर और काबिल आदमी है तो क्यों ना बढ़ाएं। तो इस तरह के विचार उनके मन में आने के कारण मेरी जो वोटर के दिलो दिमाग में जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ने में एक मदद हुई है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि मेरे चुनाव प्रचार अभियान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान जी आके गए और विदर्भ निर्माण महामंच के एडवोकेट आने हो, वामन राव चटप हो और अन्य साथी हो, विदर्भवादी लोग हो, आम आदमी पार्टी है, उन्होंने जिस तरह से समर्थन देकर फील्ड में आकर भी काम किया है, तो एक तो विदर्भवादी मंच या विदर्भवादी समर्थक लोग और दूसरे बाजू में फुलेश्वर अम्बेडकरी लोग, इनका समर्थन मुझे भारी संख्या में मिलेगा, इसका मुझे भरोसा है। और इसलिए राजनीति में चमत्कार भी होते हैं, चमत्कार के ऊपर हम तो विश्वास नहीं रखते, क्योंकि चमत्कारों के सहारे होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते, रात ही रात में पैसा पलटता है। हाँ, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, वैसा राजनीति में भी कुछ भी हो सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि गडकरी हार जाए, इसलिए बहुत से लोग कोशिश करते होंगे, उनके अंदर वाले भी होंगे, बाहर वाले होंगे। और गडकरी अगर कहते हैं कि मेरे दोस्त सारे पार्टी में है, तो उसके साथ दुश्मन भी सारे पार्टी में है, वो भी गडकरी जी ने याद रखना चाहिए। सर, इसी बीच में जैसा आपने समर्थनों के नाम गिनाए, ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी आ रही है कि अभी BRSP को गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने समर्थन दिया है, तो क्या वाकई पे इस 3 दिन जो लास्ट मोमेंट, लास्ट लम्हे जो बचे हैं, इस बीच में जिग्नेश मेवाणी को नागपुर बुलाएंगे? जिग्नेश मेवाणी मेरा बहुत पुराना साथी है और
एमएलए बनने के बाद उन्होंने अपनी छवि राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है आंदोलन के कारण, ऊना कांड के कारण। और जिग्नेश मेवानी फिलहाल वो बिहार में कन्हैया कुमार के लिए कैंपेन करने के कारण व्यस्त थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप जल्दी आ जाओ, नहीं तो अपना वीडियो भेजें। तो उन्होंने वीडियो भेजकर मुझे समर्थन दिया है, उस वीडियो को मैं जल्दी अभी वायरल करूँगा। और हो सकते तो पॉसिबल है कि कल परसों जिग्नेश मेवानी नागपुर में इस संगभूमि में होंगे, जो डॉक्टर सुरेश माने जो गडकरी के खिलाफ लड़ रहे उसके समर्थन के लिए जिग्नेश मेवानी भी होंगे। और एक गुजरात में हमारे दूसरे विधायक है जिसको हम गुजराती में धारासभ्य कहते हैं, उनका नाम है छोटू भाई वसावा, जिनकी भारतीय ट्राइबल समाज पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी है, और उसके वो खुद MLA हैं, उनका भी समर्थन मुझे हासिल प्राप्त हुआ है। दोनों आने की संभावना है, मैं दोनों की कोशिश में लगा हूँ, लेकिन छोटू भाई वसावा वहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे गुजरात में, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसका मैसेज मुझे मेरे पास पहुँचा है। तो ये गुजरात के दोनों MLA का समर्थन मुझे हासिल हुआ है, और कई लोग अगले दो दिन में ज़्यादा समर्थन देखें, नागपुर के लोग समर्थन देखें, आपके सामने और एक तस्वीर रख देंगे कि नागपुर के रण मैदान में अगर आप समझते हैं कि कांग्रेस BJP तक सीमित है तो कोई और कोना भी उसका हो सकता है, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। सर, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों की अगर बात करें तो BSP अभी एक चुनाव लड़ा रही है, और जब उनके मैंने प्रत्याशी से बात किया मोहम्मद जमाल से कि डॉक्टर सुरेश माने भी यहाँ पे हैं मैदान पे, तो उनका कहना था कि सुरेश माने नागपुर की, वो मुंबई से क्यों नहीं लड़ रहे। और दूसरा, BSP में भी आपके संबंध है, ताल्लुकात है, तो क्या वोट बंटने की स्थिति बनेगी? BSP का प्रत्याशी मोहम्मद जमाल, जब मैं प्रभारी रहा तो उनकी मिसेस यहाँ के कारपोरेटर रही है, मेरे अंडर में काम किए हैं, उनको शुभेच्छाएं मेरी। लेकिन बम्बई में होना ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी कहाँ भी चुनाव लड़ सकता है, ये आज़ादी है, कानून है। और मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना मजा है, कमज़ोर उम्मीदवार के खिलाफ क्या चुनाव लड़ना है। और ये पॉलिसी हमने अक्टूबर महीने में तय की थी कि BJP का सबसे बड़ा जो नेता होगा उसके खिलाफ मैं खुद मैदान में रहूँगा। तो इसलिए ये नहीं कि कौन कहाँ कहाँ है, कौन किसके खिलाफ है, ये महत्वपूर्ण है। किसी शायर ने ठीक कहा है कि मुझे लड़ने में कोई गम नहीं, लेकिन एक शर्त है, हमें उस शख्स के साथ लड़ाओ जिसमें कुछ दम है। और इसलिए नागपुर में गडकरी के खिलाफ चुनाव मैदान जानबूझकर चुना है, ये कोई एक्सीडेंटल डिसीजन नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अम्बेडकरवादी नेताओं ने जम के लड़ना चाहिए, ये मैसेज मैं और अन्य नेताओं को भी, पार्टियों को भी देना चाहता हूँ। इसलिए नागपुर है, और संघभूमि दीक्षा भूमि में ये लड़ाई और तेज हो जाए तो अच्छी है मेरे माध्यम से। और इसलिए नागपुर का एक बिल्कुल कॉन्शियस डिसाइडेड डिसीजन है, और इसलिए ये कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं है। दूसरी बात, बसपा में मुझे मानने वाले आज भी काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोगों की नियुक्तियाँ पद पे की है, वो मेरे हाथों से हुई है, वो आज पे पद है, वो हमदर्दी रखते हैं मुझसे, वो जानते हैं कि मैंने बसपा छोड़ने का कारण क्या है, क्यों निर्णय लिया है। और व्यक्तिगत लेवल पे ना मुझे उनके बारे में, ना वो उन्हें मेरे बारे में गिला शिकवा है, तो हो सकता है अंदर के अंदर वो अपना समर्थन देखें, मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश करेंगे, ये मुझे भी आशा है। सर, आखिरी सवाल, बात तो सही है कि जो बड़ा दंगली मैदान होता है और जो बड़ा पहलवान होता है उसके साथ लड़ने की मज़ा ही कुछ अलग होता है, लेकिन इसी बीच एक हर चार दिन पाँच दिन के आड़े पे जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, कभी गडकरी के मुद्दे पे ले रहे हैं, कभी नाना पटोले के मुद्दे पे ले रहे हैं, कभी विकास के मुद्दे पे ले रहे हैं, कभी अनेक मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं, क्या है ये एक अलग माहौल राजनीति को देना? जैसे कि मैंने कहा कि चुनाव के, खास करके लोकसभा चुनाव में मीडिया का रोल बहुत बड़ा होता है, और मीडिया को अपने बस में रखना ये बहुजनों की राजनीति का न हिस्सा है न क्षमता है। और इसलिए अपने तरीक़े से मीडिया के माध्यम से अपनी बातें वोटरों तक पहुंचाना, ये आपका अपना खुद का तरीका है। और इसलिए मैंने शुरू से ही प्लान करके
3 प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक किए हैं आज, एक मैंने खुद पहले किए जो बीजेपी गडकरी और पंत प्रधान मोदी के बारे में है कि इनको क्यों सत्ता से बेदखल करना चाहिए। दूसरी ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान जो इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ मिलकर उन्होंने मेरे समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे विदर्भवादी नेता मिलकर वामनराव चट्टर एडवोकेट श्रीहरि अने की विदर्भ राज्य की मांग को लेकर कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर डॉक्टर माने साहब को क्यों चुनना चाहिए, यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और आज 4 बजे मैं कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवार नाना पटोले इनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कि इन दोनों को नागपुर के वोटरों ने फुले शाह अम्बेडकरी जनता ने वोट क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में मैं आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ।